हेलो यो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 6 की, जो कि 6 क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो ये 12 अक्टूबर से रिलेटेड वर्कशीट है और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स को भर करके। बच्चों तो आइए देखते हैं क्या कहती है वर्कशीट आपको। डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ द डॉग हु फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, लेट अस नाउ समराइज द स्टोरी। तो शुरुआत करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। तो क्या कहता है ये कि ये स्टोरी एक डॉग की है जो अपने आप ही अपने आप का मास्टर था। ठीक है, फिर आगे, ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। तो उसने क्या कोशिश की, उसने कोशिश की कि उसे एक वो एक मास्टर को ढूंढे जो कि स्ट्रॉन्गर होगा उस किसी और से, उस किसी से भी। ठीक है, तो फर्स्ट ही फाउंड ए वुल्फ, बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ बियर। तो पहले उसने क्या किससे मिला, वो पहले वो एक वुल्फ से मिला, लेकिन वुल्फ क्या था, बियर से डरता था, है ना, बियर से डरता था ना वो। फिर आगे क्या हुआ, आगे हुआ द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो वुल्फ जो है बियर से डरता था, है ना। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट ए लायन। तो जब लायन से कैसे मिला, वो याद हो आपको लायन से कैसे मिला था, कि बियर ने जब लायन को देखा तो वो डर गया था, तो डॉग लायन से मिला। हु सीम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उसे लगा कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके साथ लायन के साथ बहुत वक्त रहा। वन डे ही रियलाइज दैट द मैन वास्ट मोर पावरफुल, है ना, सॉरी ये आएगा इसमें अफ्रेड ऑफ मैन। तो ये था, ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वास्ट अफ्रेड ऑफ मैन, यानी कि वो मैन से डरता था, लायन मैन से डरता था। तो क्या हुआ फिर, टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो क्या हुआ, आखिरी में डॉग आदमी का बेस्ट फ्रेंड बन गया। चलो तो आगे देखते हैं, आगे है, लेट अस नाउ रिवाइज द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी डेयर्ड। डेयर्ड का मतलब है ब्रेव होना एक तरह से। फिर है किन्समैन, किन्समैन है एक रिलेटिव, उसका रिलेटिव होना। फियर्स है वॉयलेंट या फ्राइटनिंग एक तरह से। डेल्टेड है मूव क्विकली, बहुत तेज़ी से करना। क्लिफ है हाई रॉक, यानी ऊंचा ऊंची चीज़ें कुछ। वेंडरिंग है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि इधर से उधर घूमना एक तरह से। ठीक है, अब है आपका, ऑल द अबव 6 वर्ड्स आर हिडन इन दिस टेबल, फाइंड द वर्ड्स एंड सर्कल देम। तो इस वर्ड में, इस जो वर्ड सर्च में आपको 6 वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आप खुद करेंगे। वैसे एक चीज़ आपको इसमें बता दी है, ये ऊपर वाली है आपकी चीज़ें जो फियर्स। फिर है क्लिफ, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लिफ ढूंढते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा क्लिफ किधर है। ठीक है, जो आपके ऊपर 6 वर्ड दिए हुए हैं वो ही आपको ढूंढने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और आपकी वीडियो भी। बच्चों आशा करता हूँ आप इन वर्ड्स को सर्च कर लेंगे आराम से जल्दी से, क्योंकि यही चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ी है, और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी वीडियो हो गई कंप्लीट और वर्कशीट भी आशा कर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।